हेलो दोस्तों, मैं हूँ अनिल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनिल किचन। दोस्तों, हम लोग जो खाते हैं मछली, तो उनमें से बड़ा वाला मछली रहता है, छोटा वाला मछली रहता है, वेराइट टाइप से मछली रहता है। दोस्तों, छोटा वाला जो मछली रहता है उनमें से आयरन, प्रोटीन और काफ़ी सारा फाइबर रहता है, जो अपना शरीर के लिए बहुत अच्छा है, खाने के लिए टेस्ट भी है और कम पैसे में हमको ज़्यादा क्वांटिटी भी मिलता है। दोस्तों आज मैंने आपके लिए छोटा वाला मछली का फ्राई लेकर आ रहा हूँ। तो आइए देखते हैं क्या क्या सामान मैं यूज़ कर रहा हूँ और कैसे मैं उसको बना रहा हूँ। तो दोस्तों, ये है मैंने 250 ग्राम छोटा वाला मछली लिया है। इधर मैंने 2 चम्मच सरसों को भिगो के लिया है। इधर मैंने छोटा वाला लहसुन मैंने 10-15 लिया है। अगर बड़ा वाला आप लेते हो तो 6 से 7 या 8 फिर ले सकते हो। दोस्तों, इधर मैंने 4 सूखी मिर्ची को तोड़ के उसका जो बीज है उसको निकाल लिया है। इधर मैंने मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर है। दोस्तों, ये जो सरसों और ये सूखा मिर्ची और ये जो लहसुन, ये तीनों को हम ग्राइंडिंग करके लेंगे। दोस्तों, ये जो मछली है इसको साफ करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो इसको साफ करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको ऐसे दबा देंगे और ये जो बाहर निकला इसको हम पानी में साफ कर देंगे। ऐसा करके हम पूरा का पूरा मछली को साफ कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये जो बड़ा वाला मछली छोटा सा रहता है, इसको ऐसे इस तरह से दबा देने से ये फट गया। और ये जो इसको ऐसे पानी में आप साफ कर लेते हैं, पूरा का पूरा जो मछली हमने लिया है सबको हम साफ कर लेते हैं। दोस्तों, मसाला को ग्राइंडिंग करके मैंने इस पे डाल दिए है। अब मैंने डालता हूँ इसमें से 1/2 चम्मच और थोड़ा सा ज़्यादा नमक डालता हूँ। तो इधर मैंने 1/2 चम्मच से थोड़ा सा कम मैंने हल्दी पाउडर डाला और दोस्तों इधर मैंने 1/2 चम्मच मिर्ची पाउडर डाला। दोस्तों, मैंने 3 सूखा मिर्ची को मैंने ग्राइंडिंग करके लिया था, इसलिए मैंने थोड़ा सा मिर्ची पाउडर को लिया। अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो आप ज़्यादा डाल सकते हो। इसको डाल के अच्छे से इसे मिला लीजिए और 30 से 35 मिनट तक उसको मैरिनेट करके छोड़ दीजिए। ये देखिए दोस्तों, मैंने उसको पूरा का पूरा अच्छे से मिला लिया और अब उसको ऐसे ही 1/2 घंटा तक छोड़ देते। आइए दोस्तों, अब 1/2 घंटे के बाद हो गया है, अब हम शुरू करते हैं मछली का फ्राई। दोस्तों, तो मैं तवा बैठा लिया है। इधर मैंने दोस्तों करीब 4 से 5 बड़े चम्मच मैंने तेल लिया है। तेल को थोड़ा सा गर्म होने देंगे और फिर मछली को इसे डायरेक्ट डाल के फ्राई करेंगे। इसको इसे घुमा के अच्छे से तेल को चारों तरफ आप मिला लीजिए। ये देखिए दोस्तों, चारों तरफ अच्छे से मिला दीजिए। हमारा तेल जो है दोस्तों गर्म हो गया, अब हम मच्छी को डायरेक्ट फ्राई करते हैं। मच्छी को डाल के दोस्तों गैस का फ्लेम थोड़ा सा कम करके उसको थोड़ा सा ऐसा फैला देते ताकि गैस का जो फ्लेम है चारों तरफ अच्छे से फैल जाएगा और उसको हम थोड़ा सा मीडियम फ्लेम करके उसको पकाते हैं। दोस्तों, इसके ऊपर ढक्कन लगाने की ज़रूरत नहीं। दोस्तों, इधर हमने जो मसाला और नमक का डाला था उसका थोड़ा सा पानी भी निकलाया है, तो ये पानी में ये जो छोटा मछली है पकने में ज़्यादा देर नहीं लगता है। दोस्तों, तो इसको ढकने का ज़रूरत नहीं है, हम इसको ऐसे ही खुला छोड़ देते हैं। बीच बीच में उसको चलाते रहना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि एक साइड अगर ज़्यादा पक गया तो नीचे का साइड जल जाएगा और ऊपर का साइड ऐसे ही कच्चा रहेगा। तो इसको ऐसे पकड़ के इसे उल्टी कर दिए और उसको ऐसे करते करते पूरा का पूरा मच्छी को आप पलटी कर दीजिए और दोनों साइड को अच्छे से पकाने के लिए इसे थोड़ा सा फैला दीजिए और उसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। मच्छी जो है दोस्तों हमारा करीब 60-70% तक पक गया है, हमको और थोड़ा सा उसको पकाना है। दोस्तों, ये देखिए नीचे से थोड़ा सा चिपकने लगा है, तो आप इसको अच्छे से ये देखिए चलाते रहिए, नहीं तो ये नीचे से जल जाएगा। तो इसे करते करते आप इसे इसको ऐसे लीजिए और इसको ऐसे रख लीजिए। ये देखिए दोस्तों, एक साइड कितना अच्छे से पक गया है। हर एक मच्छी को आप ऐसे कीजिए, ऐसे लेके फिर उसको ऐसे उल्टा कीजिए। दोस्तों, नमक थोड़ा सा कम हुआ था तो मैंने इधर थोड़ा सा नमक डाल लेता हूँ। यही टाइम है दोस्तों, अगर थोड़ा सा अगर आपका नमक कम हुआ तो आप डाल सकते हो। दोस्तों, पहले ज़्यादा नमक मत डालिए, क्योंकि अगर ज़्यादा नमकीन हो गया तो फिर आप उसको खाने के लिए थोड़ा दिक्कत होगा। दोस्तों, ये पूरा थोड़ा सूखा हो गया तो मैंने इधर थोड़ा सा और 2-3 चम्मच तेल डालता हूँ, थोड़ा सा और खिला खिला उसको बना लेंगे।
दोस्तों मच्छी तो पूरा पक गया है, बस हमको इसको थोड़ा सा सुखाना है। ये जो थोड़ा सा व्हाइट व्हाइट दिख रहा है ये मच्छी का, और जो थोड़ा सा गीला गीला दिख रहा है उसको हम पूरा का पूरा ड्राई करके एकदम कड़क बनानी है। तो मैंने इधर गैस के फ्लेम को पूरा हाई कर देता हूँ, और उसको दोस्तों ज़रा हाई करने के बाद ध्यान दीजिए, क्योंकि ये हाई करने के बाद जलने का चांस ज़्यादा रहता है, तो बहुत ज़्यादा आपको चलाना पड़ेगा। तो आप उसको चलाते रहिए इसको, ऐसे दोनों साइड से हाई फ्लेम पे उसको अच्छे से पकड़ लेंगे, इसे उल्टा पल दीजिए। दोस्तों ये हमने नॉनस्टिक का तवा लिया है, इसीलिए ये ज़्यादा देर नहीं चिपकेगा, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। ये देखिए ज़रा ध्यान से कीजिए, अगर आपको चलाने के लिए दिक्कत हो रहा है तो आप उसको ऐसे ऊपर नीचे भी कर सकते हो। दोस्तों ये देखिए कितना अच्छे से हमारा मच्छी पक गया है, ज़रा फिर से ऐसे कर लेते। ये देखिए ज़्यादा देर तक एक साइड को हमको नहीं रखना है। ये देखिए दोस्तों हमारा मच्छी जो है एकदम से सूखा हो गया। दोस्तों अब हम इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा धनिया का पत्ता, थोड़ा सा डाल के थोड़ा सा इसको हम ऐसे चला लेंगे, ताकि उसका जो फ्लेवर है धनिया का वो भी सारा चला जाएगा अंदर, और थोड़ा सा खुशबू भी अच्छा आएगा खाने के लिए। इसको फिर से ऐसे चला लेते। फिर से इसको ज़रा ऐसे कर लेते। ये देखिए दोस्तों एकदम से सूखा सूखा क्रिस्पी। दोस्तों हमारा मच्छी का फ्राई जो है एकदम से रेडी हो गया है, मैंने गैस का फ्लेम को इधर ऑफ करके लिया है। दोस्तों थोड़ा सा अच्छे से मिला लीजिए, क्योंकि गैस का गर्म की वजह से तावा का नीचे से गर्मी रहता है, तो थोड़ा सा जल जाएगा नीचे से, तो थोड़ा सा आपको इसको अच्छे से मिला लीजिए। दोस्तों ये तो हमारा मछली फ्राई जो है एकदम रेडी हो गया है, अब आप उसको चावल के साथ खाएंगे तो अच्छा रहता है। दोस्तों इस दोस्तों मैंने गर्मी पे इतना मेहनत करके बनाया, तो इधर पसीना पसीना निकल गया दोस्तों। बहुत मेहनत लगता है दोस्तों, इतना सारा आइटम आपको मैं ला के दे रहा हूँ, टेस्टी टेस्टी आइटम सिर्फ आपके लिए बना रहा हूँ। दोस्तों आप ये वीडियो को ज़रूर देखिए और आपका घर पे बनाइए। आपको पता है छोटा मच्छी में कितना सा आयरन प्रोटीन फाइबर रहता है, अगर आपको पता नहीं तो आप ज़रा गूगल कर लीजिए दोस्तों, और घर पे ज़रूर इसको बनाइए, और आपका जो भी मेहमान आते हैं या फिर आप खुद उसको घर पे बना के खाइए। और कैसा लगा मेरा आइटम मेरे कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए। और हाँ दोस्तों, आपके दोस्तों के बीच में या फिर आपके जो भी फेवरेट लोग हैं, जो आपका जो परिवार लोग हैं, आप उनके बीच में मेरा चैनल को शेयर कीजिए, ताकि वो लोगों ने भी ऐसा शानदार और टेस्टी और हेल्दी फूड घर पे बना के खाएंगे। दोस्तों थैंक यू, अब मिलते हैं अगले एक शानदार आइटम के साथ।